कि आपने लगातार हम नाजीब का साथ दिया और ये लगातार कहते रहे कि आनंद मोहन निर्दोष है, वो व्यक्ति उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। हमारे दर्शक भाई बोल रहे थे, मैं टेक्निकल बातों पर और निजी बात कहने के लिए आज नहीं आया था, लेकिन आप सब जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। बिहार का बच्चा बच्चा अवगत है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि घटना बायचांस है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है जिसके लिए फांसी की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना ऑन ड्यूटी नहीं है जिस पर चिल्पों मचाया जा रहा है आज भी, कि सरकारी सेवक की हत्या ऑन ड्यूटी कर दी गई। ऑन ड्यूटी नहीं है, ऑन वे है, सड़क पर हत्या हुई। गोपालगंज का डीएम मुजफ्फरपुर में मारा गया, आज तक ये रहस्य है। लवली आनंद ने सदन में लोकसभा में कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि इन परिस्थितियों में गोपालगंज का डीएम जिस दिन एक दिन पहले जो 5 लोगों की हत्या हुई थी जिसमें बिहार पीपुल्स पार्टी के भी लोग थे, 5 लोगों की हत्या हुई थी और हत्या से उत्पन्न जो अराजक माहौल था मुजफ्फरपुर में, उसमें जब मुजफ्फरपुर का डीएम और एसपी अपने घरों से बाहर आने की जरूरत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो ऐसे में ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी, कौन से वजह थे, कौन से कारण थे कि गोपालगंज का डीएम उस दिन मुजफ्फरपुर जलते मुजफ्फरपुर में पहुंच गया। कोई बोलने वाला नहीं, जब कोई बोलेगा तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आज हरमन नक्सल एक 1000 आदमी चुन चुन करके 1000 से ज्यादा आदमी बुद्धिजीवी आज जेल में डाले गए, लेकिन बुद्धिजीवी के लिए जेल है, ओवैसी के लिए जेल नहीं। कभी इस देश में कहा था हिंदवार ने और सावरकर ने कि हिंदू और मुसलमान दुई राष्ट्र का सिद्धांत दिया कि हम एक साथ रह नहीं सकते, तो क्या 1857 में जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, जिनका नाम हमने गिनाया कि तात्या टोपे, नाना फडणवीस, मंगल पांडे, रानी झांसी, कुंवर सिंह, ऐसे अनगिनत लोगों ने युद्ध लड़ा। आप अंग्रेज सफल हुए, हम हारे। उस आजादी की लड़ाई को रौंदा गया, लेकिन पूरी तरह देश मरा नहीं, उसका जमीन मरा नहीं। हम फिर खड़े हैं, देश के लोगों को लड़नी होगी और हम आपको वादा करते हैं एक न एक दिन आने वाला, कितना दिन सहन करेंगे, कितना दिन घुटन में रहेंगे, मैं आपके घुटन को बखूबी समझ रहा हूँ और वादा करता हूँ जिस दिन आप निकलेंगे आनंद मोहन जिला छोड़ कर रास्ते होगी, नहीं चलेगा ये सीमित तानाशाही। आज राष्ट्रवाद के नाम पर तमाम राष्ट्रीय संस्थाओं को औने पौने में बेचा जा रहा है। सेल बिक गया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, एलआईसी बिक गया, पोर्ट बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे स्टेशन भी बिका। साथियों, बीमारों का करके कमाऊ सरकारी संस्थानों को एक एक करके चुनाव में फंडिंग करने वाले अपने दोस्तों के हाथे केंद्र सरकार ने बेच दिया। 2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। परम कले रोंद डालेंगे, अरे रोंद बना है हम तैयार है, जब तक
लेकिन अगर ठीक कहा चेतन आनंद ने, हमने किसी पर अटैक नहीं किया। आप कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे करोड़ों हमारे कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों हमारे एमपी हैं, हजारों हमारे एमएलए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक 16 बरस से जो जेल में है उस गरीब आदमी से डर गया। डर गया तो मर जाओ। मैं जब निकला तो किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन सब ने देखा, आप सब गए थे। रास्ते में लड़कों ने कहा कि सर मैं गया था जब आप जिस दिन निकले थे, देश भर के लोग जमा हुए, लाखों लोग जमा हुए, उस दिन खाना तो छोड़ दीजिए, प्रेस के लोग गए थे, पानी नसीब नहीं था सहरसा में। हमारे गांव तो छोटा गांव है, गरीब आदमी का गांव है, जितना बन पड़ा हमने कोशिश की लोगों को खिलाने और पानी पिलाने का, लेकिन साथियों मैं नहीं मिल पाया। 16 वर्षों से जेल में हूं, हमसे मिलने लोग आए हूं और मैं मिल नहीं पाया। क्यों? मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई। सहरसा का कोई होटल नहीं था जहां बड़े बड़े छतरी वाले नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, आप लोग तो छोटे लोग हैं भाई, स्थानीय संवाददाता, आपका तो कोई कुछ सुनेगा नहीं। आप चाहेंगे उतने आप लिख करके भेज दीजिए, उतने छापेगा जितना मीडिया हाउस जिसको खरीद लिया गया है, माफ कीजिएगा, वो उसी में उसमें से इतना ही निकालेगा। मुजफ्फरपुर में आज लोग कहते हैं एक डीएम की हत्या के मामले को लगातार उछाला गया। कब कब उछाला गया? जब 3,500 लोगों पर हत्या के दोष भरे गए, कहा गया कि 3,500 की उग्र भीड़ ने टीएमजी कृष्णैया की हत्या की, तब मित्रों 3,500 लोग छूटे, एक बार भी इस पर हंगामा नहीं हुआ। 34 लोग आरोपी बनाए गए, अभियुक्त बनाए गए, 34 में 33 लोग मारने का जिन पर आरोप था वो छूट गए, जिन पर आदेश देने का आरोप था वो छूट गए, कभी हंगामा नहीं हुआ कि ये लोग छूटे क्यों। कभी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की नहीं आई कोर्ट ये कहने की 33 लोग क्यों छूट गए, 3,500 लोग क्यों छूट गए। मेरे बेल की बात आई जब सजा के बाद, तब उमा कृष्णैया जी को लाया गया। और साथियों आज जब 16 वर्षों आजीवन कारावास को कानून के जानकार लोग हैं, बहुत लोग मंच पर हैं, वकील हैं, कानून के जानकार लोग जानते हैं कि आजीवन कारावास का मतलब होता है 20 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि आप 6 वर्ष परिहार दीजिए, बशर्ते कि व्यक्ति की का आचरण जेल में अच्छा हो। 6 वर्ष परिहार देने के बाद जो लाजमी है, जरूरी है, देना है हर व्यक्ति, आजीवन कारावास वाले को 14 साल के बाद छूटना चाहिए। साथ 3 अक्टूबर से लेके और मेरे निकलने की तारीख तक लगातार कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी मशाल जुलूस, कभी कैंडल मार्च, कभी उपवास, कभी सामूहिक अनशन, कभी ये ड्यूटेक प्लान, सोशल मीडिया पर ये लगातार अहर्निश लगा आप संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज मैं आप सबके बीच लोगों के जीवन में जिंदा होगा, क्योंकि आनंद मोहन फिर से बनना ये संभव नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक प्रश्न उठा और मुझे तो लगा था मेरा यहाँ पर जब स्वागत होगा तो ऐसे प्रश्न, मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा,
लेकिन क्योंकि उठाया गया है तो मुझे लगता है कि इसको क्लैरिफाई करना ये मेरा दायित्व है कि जब मोहनपुर हुआ था बांका के पास और एक व्यक्ति को चना चलाने के लिए मार मार करके उसको पीट पीट करके मार दिया गया तो उस समय भी मेरे पिताजी के कहने पे हम उधर गए थे। जब मोहम्मदपुर आपको याद होगा नरसंहार हुआ तो सबसे पहले अगर कोई उधर जाने का काम किया तो वो हम थे और मेरे पिताजी ने मुझे उधर भेजा था। इसीलिए बड़े से बड़े एंकर लोग जिस तरीके से मेरे पिताजी के बारे में उल जलूल पाते, वो यूपी में एक हादसा हुआ था याद होगा आपको, उनसे जो है कंपेयर मेरे पिताजी को किया जा रहा है। अगर हम चाहते तो इन सब के खिलाफ कोर्ट में जाते, मानहानि का मुकदमा करते और हम पूछते मेरे पिताजी को माफिया बोलने वाले एक माफिया एक्ट का जो है नमूना पेश करो, उनको क्रिमिनल बोलने वाले एक क्रिमिनल एक्ट का नमूना पेश करो। ये भी अगर केस अगर हम देखेंगे और इसको मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप जानते हैं कि मेरे पिताजी इस केस में कहीं दूर दूर तक नहीं थे। उनका जब अरेस्टिंग हुआ जब हादसा हुआ उसमें 12 मिनट का जो है गैप था और 66 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस था। हेलीकॉप्टर भी अगर कोई उड़ाने के लिए आएगा तो उतनी तेजी में नहीं उड़ पाएगा हेलीकॉप्टर। लेकिन खैर कोर्ट का जो भी आदेश था उसको हम लोगों ने माना, उसके खिलाफ कभी नहीं बोला। लेकिन अगर उसको भी ले लीजिएगा, उस केस को भी अगर उठाइएगा तो आपको पता चलेगा वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, भड़काऊ भाषण या फिर एबेटमेंट का एक केस बनता है।